तो गाइस, तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि है ना थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है, मेरे को थोड़ा बुखार आ रहा है, तो आप है ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि है ना गाइस मैं आपके लिए फुल कोशिश कर रहा हूँ रोज के रोज वीडियो डालने की। अभी थोड़ा सा फीवर आ गया बट कोई नहीं, आपके लिए मैं रोज डेली वीडियो डालने की फुल कोशिश में हूँ। तो गाइस हमने एक बड़ा कूलर बनाया था तो आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो पर, तो हमने सोचा छोटा सा एक कूलर बनाकर बताते हैं आपको। और काफी ठंडी ठंडी हवा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं कुछ इस तरह का पीवीसी पाइप, और इस पीवीसी पाइप का ही हम एक पीवीसी शीट बनाने वाले हैं। तो चलो फटाफट से हॉट एयर गन से इसे हीट करके शीट बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की मैंने शीट बना ली है, देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से। अब हमें क्या एक इसकी बॉडी बनाना है जो हमारे कूलर की, तो चलो वीडियो को स्पीड अप कर देते हैं और एक कूलर की बस्ते सी बॉडी बना लेते हैं हम। कूलर की बॉडी बना ली है कुछ इस तरह की, और यहाँ पर देख सकते हो पीछे की और है ना हमने बढ़िया से का टैंक पैक कर दिया, और ये कुछ इस तरीके से स्टेबल रखा जाएगा। इसके अंदर ग्लू भी लगाया जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो गाइस फिर बाद में बहुत ही टाइम बाद ये अच्छे से एकदम सूख गया और ये एकदम परफेक्ट टैंक बन गया है। अब इसके अंदर से एक बूंद भी नहीं नीचे गिरेगी, ये गारंटी है मेरी। तो अब हमें ये प्रोपेलर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगानी है। हम दो प्रोपेलर लगाएंगे जिससे ना काफी ठंडी ठंडी हवा मिले हमें, तो इस तरह से हम लगाएंगे। और यहाँ पे स्विचेस वगैरह लगाने वाले, इंडिकेटर लगाने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम स्पेस देंगे यहाँ पर और इतना साइज में हम कट कर लेते हैं विद इसकी हेल्प से। ये इसके साइज का ही है, तो हम इस कटिंग सॉ से यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने कनेक्टर और लाइट को लगा दिया है, और बाकी ये रेगुलेटर है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, कनेक्शन एक जो रेगुलेटर का वायर रहेगा वो सीधा रेड पर ज्वाइन कर देना है जो हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा है, और ये के पास से एक वायर मिल जाएगा जिससे हम हमारी मोटर को कंट्रोल कर सकेंगे। और अब है ना सिंपली इस रेगुलेटर को कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, इसको ना पेंट कर देना है। अभी ये भी कंपोनेंट लगा के मैंने गलती कर दी बट कोई नहीं, अब इसके ऊपर फटाफट से पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने काफी अच्छे तरीके से इस पे पेंट कर दिया है और ये काफी अच्छा लग रहा है लुकिंग में। और अब हमें है ना इस मोटर को लगाना पड़ेगा, और ये कुछ है ना मैंने स्टैंड्स बना लिए हैं मोटर को रखाने में, तो इसको आपको क्या गोला कर देना है, उसमें कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगी मोटर। मैंने एक और स्टैंड बना लिया, उसमें मैं मोटर को लगा देता हूँ। ये काफी छोटी सी मोटर है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इतना काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक बल्ब भी लगा दिया मैंने, देख सकते हो छोटे छोटे ये दो बल्ब यहाँ पर फिक्स कर दिए, बट आपको नहीं बताया था वीडियो में। काफी सिंपल इसे कनेक्ट करना, सीधे मोटर के वायरों पर सीधे कनेक्ट कर देना है जिससे करंट आएगा। तो है ना इस रेगुलेटर से हम करंट कम ज्यादा करेंगे तो बल्ब की भी स्पीड कम ज्यादा होगी और मोटर की भी होगी। ऐसे ही कनेक्शन है सिंपल सा। और ये जो कनेक्टर है ना इसमें से डायरेक्ट वायर मैंने ये निकाल लिए हैं। अब ये वायर हमारे किसके हैं, ये वाटर पंप के। आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना इसकी। तो ये दोनों वायर मैं इस पर ज्वाइन कर देता हूँ, और फिर मैंने एक यूज करा है पाइप, तो ये पाइप सीधे इसके आगे की ओर लग जाएगा। और चलो अब इस पंप को हमें यहाँ से लगा देंगे। और एक ये भी बना लिया है मैंने, ये ना हमारे पानी रहेगा पंप का जो नलकी रहेगी। तो आपको बता देता हूँ ये पंप की नलकी सीधे इसमें लग जाएगी, और ये सीधा है ना ये इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा, और नीचे छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं जिससे पानी है ना हमारी हनी पैड पर जाए, और इस तरह से ये लग जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलो अब फटाफट से इस मोटर को भी लगा देते हैं इसके अंदर।
देख सकते हो गाइस सभी चीजें मैंने अच्छे से लगा दी है, ग्लू गन को भी अच्छे से स्टिक कर दिए, ये यहाँ पर देख सकते हो बाकी काफी परफेक्ट तरीके से मैंने इस पंप को भी अंदर लगा दिया है। पीछे हमें हनी पैड लगानी है और हनी पैड आप काफी चीप प्राइस में खरीद सकते हो, कोई तो फ्री में ही दे देगा। आपको क्या करना है, कूलर रिपेयरिंग शॉप पर जाना है, वहां पर है ना हनी पैड की ना बहुत ही बड़ी आती है, इतने साइज की आती है एक हनी पैड, और कूलर में लगती है हनी पैड वो रिपेयरिंग शॉप वाले लगाते हैं, तो जो हनी पैड कुछ टुकड़े बच जाते हैं, जैसे इतने इतने से टुकड़े आसानी से बचेंगे, आप एक बार जाके पूछ ही लेना, तो वो आपको फ्री में ही दे देंगे या आप थोड़े बहुत पैसे दे देना। वैसे मुझे तो फ्री में दे दिया, इतना इतना से टुकड़े का फ्री में नहीं देंगे या क्या लगा उनको, उनको तो अपना कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से लग जाएगी हनी पैड, तो थोड़ा सा साइज में डिफेक्ट आ रहा है तो मैं कटर से या फिर हाथ से काट दूंगा। अब हमें ना फ्रंट की जाली बनानी पड़ेगी, तो ये देख सकते हो काफ़ी सारी पीसेस मैंने कट कर लिए पीवीसी शीट के, अभी ना वन बाय वन में लगाते जाता हूँ और एक आगे फ्रंट की जाली बना लेते हैं हम। फाइनली आप देख सकते हो मैंने इस जाली को बनाकर रेडी कर लिया है, तो इसके ऊपर मैं पेंट कर देता हूँ रेड कलर का, स्प्रे पेंट से हम रेड पेंट करने वाले हैं। चलो गाइस इससे फटाफट से पेंट कर देते हैं। आप देख सकते हो हमने कूलर बनाकर रेडी कर लिया है, पीछे भी काफी अच्छी तरीके से हमें हनी पैड लगा दी है। हमें इस बैटरी को लगाना है, तो सीधा है कनेक्टर को कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है, पर उससे पहले है ना हमारी मोटर चल जाएगी, बहुत ही महंगी मोटर है, तो इसके यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा हमें, तो उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और बिल्कुल लीकेज नहीं हो रहा, देख सकते हो ये पानी तो हल्का सा डुल गया, बाकी कुछ भी लीकेज नहीं है, हमने काफी अच्छे तरीके से इसे बना दिया है। सो कनेक्टर को मैं लगाता हूँ इसके अंदर, मोटर बिल्कुल साउंड नहीं कर रही और अच्छे से पानी फेंक रही है, मतलब फेंक बाहर नहीं रही, अंदर की ओर पानी जा रहा है, एकदम बाहर तो बिल्कुल नहीं जा रहा पानी, वह हल्का सा आप एडजस्ट कर सकते हो कभी बाहर पानी आए तो, बाकी ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और हमारी बैटरी भी डिस हो गई है, मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं है और हम इतने वाले आलसी है कि हम इस बैटरी को चार्ज ही नहीं लगाते, पर हम काम चला लेते हैं हमारा, तो अब है ना हम इस मोटर को चालू कर देते हैं इधर रेगुलेटर से, तो देख सकते हो गाइस हवा भी आ रही है, अब मैं आपको बताता हूँ, तो देख सकते हो गाइस काफी अच्छी तरीके से हवा दे रहा है, हमारा पेपर भी बढ़िया तरीके से उड़ रहा है, और इसके अंदर हमने लाइट लगाई है, देख सकते हो ये डिम बहुत ही चल रही है, आपको को हल्की हल्की दिख रही होगी, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि ये बैटरी से कितनी कम पावर मिल रही है उस लाइट को, और इतने सारे कंपोनेंट चल रहा है, देख सकते हो पीछे पंप कितना मस्त चल रहा है वो देखो आप तो, और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने इस बैटरी से चला कर देखते 12 वोल्ट की, आपके लिए मैं रिस्क उठा रहा हूँ, वैसे हमें चलाना नहीं है बट ऐसे ही मैं आपको चला कर बताता हूँ, देख सकते हो कितना पावर, तो देख सकते हो कितना पावर से चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके बल्ब है ना थोड़े डिम डिम चल रहे हैं क्योंकि ना मोटर अलग से ना पावर ले रही है, बाकी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।